हेलो स्टूडेंट्स आज हम सर फ्रांसिस बेकन की लिखी गई ऐसे ऑफ़ नोबिलिटी पढ़ेंगे नोबिलिटी का मतलब है अशराफिया या इलीट क्लास तो ऑफ नोबिलिटी हो गया अशराफिया पर या इलीट क्लास पर वी विल स्पीक ऑफ नोबिलिटी फ़र्स्ट एज अ पोर्शन ऑफ एन स्टेट देन एज अ कंडीशन ऑफ़ पर्टिकुलर पर्सनस हम यहाँ पर इस हिशे में नोबिलिटी को दो हवालों से या दो जिम में पढ़ेंगे अव्वल ये कि ये स्टेट के लिए या रियासत के लिए ज़रूरी है या नहीं है या इसकी ज़रूरत क्यों है इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे एज अ पोर्शन ऑफ एन स्टेट कहते हैं कि इस्टेट uh, की नेसेसिटी है यह ज़रूरत है देन एज़ अ कंडीशन ऑफ़ पर्टिकुलर पर्सन फिर कुछ uh, खास खास अशास की हालतों के हवाले से कि नोबिलिटी uh, ख़ुद कैसी होती है और किस तरह के लोग होते हैं अ मनारकी वेयर देर इज़ नो नोबिलिटी एट ऑल इज़ एवर अ प्योर एंड एप्सोल्यूट थिरणी वो मनारकी मनारकी मीन्स जहाँ पे सिंगल रूलर हो यानि कि बादशाहत वो बादशाहत जहाँ पर कोई अशराफियाँ नहीं होती वो प्योर एंड एप्सल्यूट ठिरणी है वो बिल्कुल एक जालिम हुकूमत है वहाँ पर एक अरिस्टो नॉट अरिस्टोक्रेसी वहाँ पर न, आटोक्रेसी होगी मुकम्मल एक बंदे की हुक्मरानी होगी और उसकी मर्जी चलेगी बिल्कुल भी एज डेट ऑफ द टर्क्स जिस तरह तुर्कियों में है फॉर नोबिलिटी अटम्पर सॉ सॉवरिटी एंड ड्रॉज द आइस ऑफ द पीपल सम वट असाइड फ्राम द लाइन रॉयल क्योंकि ये जो नोबिलिटी है अशराफिया है ये उस बादशाह की पावर को थोड़ा सा कम करता है उसमें अहतदाल लाता है और लोगों की रियाया की तवज्जो को बादशाह से हटाती है वरना बादशाह के लिए ख़तरा रहेगा बट फॉर डेमोक्रेसीज दे नीडिड नॉट लेकिन जहाँ तक जमहूरियत का ताल्लुक है तो वहाँ पर नोबिलिटी की ज़रूरत नहीं है एंड दे आर कॉमनली मोर क्वाइट एंड लेस सब्जेक्ट टू सडिशन देन वेयर देर आर स्टर्ब्स ऑफ नोबल्स और वहाँ पर लोग खामोश होते हैं और वहाँ पर रिवोल्ट का खतरा बगावत सेडिशन बगावत कहते हैं बगावत का ख़तरा कम रहता है देन वेयर देर आर स्ट्स ऑफ नोबल्स तो जहाँ पर अशराफिया होते हैं किसी जमूरीत में उससे ना होना ही बेहतर है क्योंकि अशराफिया ना नहीं होगा तो बगावत का ख़तरा कम रहता है डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं बादशाह की नहीं पहले ये मुनाक आ, का जिक्र किया मनार्की में नोबिलिटी का होना जरूरी है जबकि डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं है फ़ार मैंस आइस और अपन द बिज़नेस एंड नॉट अपान दर्सन्स क्योंकि लोगों की नज़रें काम पर होती हैं उन्हें अपने काम से मतलब अशास से कोई उनको मकसद नहीं है उन पर कोई नज़र नहीं होती अरिफ अपान दर्सन्ट इज़ फॉर द बिजनस सेक एज़ फिटेस्ट एंड नाट फार फ्लेक्स एंड पेटिग्री और अगर लोगों पर नज़रें हैं अवाम की नज़रें किसी शख्स पर हैं तो वो अपने काम की खातिर है उस अहदे की खातिर नहीं हैं या उस ख़ानदान की वजह से नहीं है मतलब कोई एलीट क्लास है कोई उसके पास कोई रैंक है तो इस वजह से उस पर नज़र नहीं है बल्कि उससे क्या कोई काम निकल रहा है तो इस वजह से उस पर नज़र है वी सी द स्विट्जर्स लास्ट वेल हम देखते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत है वो काफ़ी देर चलती है नॉट विथ स्टैंडिंग दर डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन एंड ऑफ कैंटन्स बावजूद ये कि वहाँ पर बहुत सारे मुख्तलफ़ स्टेट्स हैं छोटे छोटे और रिलीजन में भी का काफ़ी वाइटी और डाइवर्सिटी है तो इसके बावजूद उनकी हुकूमत चलती है कैंटन्स कहते हैं छोटे छोटे स्टेट्स या हम जिस तरह हमारे यहाँ तहसील जिला इस तरह से होते हैं तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है कैंटन उनके बावजूद इस सब के बावजूद इतनी वैरायटी के बावजूद स्विट्जरलैंड स्वट्जर्स यानी कि स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की हुकूमत काफ़ी देर चलती है तो क्यों चलती है फॉर यूटिलिटी इज़ देअर बोन क्योंकि उनको एक करने वाली चीज़ उनका मुनाफ़ा है फ़ायदा है इन नाट रिस्पेक्ट उहदे नहीं हैं नोबिलिटी नहीं है वो किसी रैंक को नहीं देखते हैं उनका बस अपना फ़ायदा देखते हैं इसलिए उनकी हुकूमत देरपा चलती है द यूनाइट प्रोविसेज ऑफ द लो कंट्रीज इन दियर गवर्नमेंट एक्सेल यहाँ पर लो कंट्रीज से मुराद नदरलैंड से और जो यूनाइट प्रोविसेस हैं वो उन सात प्रोविंस का जिक्र कर रहे हैं जो पंद्रह सौ सत्तर में स्पेन से अलग हो गए थे तो और अपनी एक अलग रिपब्लिक उन्होंने बनाई थी आज़ाद तो उन प्रोविंसेस का यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं कि वहाँ की हुकूमत काफ़ी कामयाब रहती है एक्सल का मतलब है काफ़ी आगे निकल, आगे बढ़ी हुई है फॉर वेयर देयर इज़ एन इक्वालिटी द कंसल्टे आर मोर इन डिफरेंट क्योंकि अगर किसी भी हुकूमत में जिस तरह वो यूनाइटेड प्रोविंसेस में है बराबरी होगी इंसाफ होगी तो वहाँ पर झगड़े कम होंगे यानी आर्ग्यूमेंटेशंस कम होंगी वहाँ पर उनको वो इनडिफरेंट होंगे उन पर कोई लोगों की इंटरेस्ट नहीं होगी लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ नहीं रहे होंगे क्योंकि वहाँ आप बराबरी पर लोगों को देख रहे हैं इन द पेमेंट्स एंड ट्रिब्यूट्स मोर चीयरफुल और जो पेमेंट्स एंड ट्रिब्यूट्स का मतलब टैक्सेस टैक्सिस देने छुपाएँगे नहीं लोग टैक्स देने से घबराएंगे नहीं बल्कि खुशी खुशी टैक्स देंगे क्योंकि उनको पता है कि पैसा ये जो हम टैक्स दे रहे हैं बिलाखिर हम पे ही ख़र्च होगा अ ग्रेट एंड पोटेंट नोबिलिटी एट एथ मेजस्टी टू अनाक एक अजीम और ताकतवर अशराफिया बादशाह की शान शवकत बढ़ा देता है बट डिमिनिश पावर लेकिन उसकी ताकत को कम करता है शान शवकत बढ़ा ज़रूर देता है लेकिन ताकत कम करता है एंड पुट इथ लाइफ एंड स्परिट इन टू द पीपल बट प्रेस देर फॉर्चून और लोगों को आ, लोगों की ज़िंदगी में रवानी और जज्बा तो भर देता है लेकिन उन्हें ग़रीब बना देता है यानी उनका हक़ खा जाते हैं क्योंकि जाहरी बात है एक अशराफिया नोबल एलिट क्लास होगी तो उनका उनके ख़र्चे भी ज़्यादा होंगे उनके डिमांड भी ज़्यादा होंगे तो इस वजह से लोगों का हक़ गश्ब होने का ज़्यादा ख़तरा रहता है इट इज़ वेल व्हेन नोबल्स आर नॉट टू ग्रेट फॉर सॉवरेंटी नॉर फॉर जस्टिस यहाँ तक तो ठीक है कि अशराफिया अपने आप को हुकूमत से बढ़कर और अदलिया से या अदालत से बढ़कर या इंसाफ़ से बढ़कर ना समझे तब तक तो ठीक है एंड यट मेंटेन्ड इन देट हाइट एज़ द इंसोलेंसी ऑफ़ इन्फीरियर्स मे बी ब्रोकन अपॉन देम बिफोर इट कम ऑन अच्छा यहीं पे आगे इसको देखते हैं कि आ, फिर भी अगर ऐसी भी सिचुएशन आती है कि अशराफिया कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो जाती है फिर भी अगर अशराफिया को मेंटेन रखते हैं तो एक फ़ायदा ये एक ये है कि अगर आवाम कोई इतराज़ करती है आवाम का को, कोई रिवोल्ट का ख़तरा हो जाए तो ये सारा जो नज़ला है वो अशराफिया पे गिराया जा सकता है कि ये जो ख़राबी है वो अशराफिया की तरफ़ से है अपॉन दैम बिफोर इट कम ऑन टू फास्ट अपॉन द मेजस्टी ऑफ किंग्स कबल इसके कि ये जो इतराज़ है ये जो हमला है यह जो uh, बगावत है ये किंग पे आ जाए इसका जो नज़ला है इसका इल्ज़ाम तो उससे क़बल इसको अशराफे पे टाल दिया जा सकता है अगर इस तरह की कोई अशराफ़िया मौजूद है तो अ न्यूमेरस नोबिलिटी काजेज पॉवर्टी एंड इनकनवीनियंस इन अ स्टेट और अगर नोबिलिटी कुछ ज़्यादा हो मतलब उनकी तैदा बहुत ज़्यादा हो तो रियासत में गुर्बत आ सकती है और इनकनवीनियंस हो सकता है बे आरामी बेसकूनी हो सकती है फॉर इट इज़ अ सर्ज चार्ज ऑफ एक्सपेंस क्योंकि एक इजाफी खर्चा है ऑब्वियसली सर्च चार्ज एक एडिशनल चार्ज है एंड बिसाइड्स इट बीइंग ऑफ नेसेसिटी दैट मेनी ऑफ द नोबिलिटी फॉल इन टाइम टू बी वीक इन फार्चून इट मेक एथ अ काइंड ऑफ डिसप्रोपोर्शन बिटवीन ऑनर एंड मीन्स और अलावा अजी बहुत सारे अशराफिया वाप के गुजरने के साथ साथ कमज़ोर होते माली तौर पर कमज़ोर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं तो ये इस वजह से एक डिसप्रोपोर्शन आ जाता है उनकी इज़्ज़त और उनके दौलत में यानी कि जितनी उनकी इज़्ज़त होती है उतनी उनके पास अब दौलत नहीं रहती ताकत नहीं रहती तो फिर एक डिसप्रोपोर्शन एक बराबरी नहीं रहती एज़ फॉर नोबिलिटी इन पर्टिकुलर पर्सनस और जहाँ तक कुछ मखसूस लोगों में नोबिलिटी का ताल्लुक है अला नस्बी का ताल्लुक है It is a reverent thing to see an ancient castle or building not in decay. किसी भी पुराने क़िले को या पुरानी मंजिल इमारत को एक ताज़ा हालत में बेहतरीन कंडीशन में देखना हर किसी को पसंद होता है और हम उस इमारत को देखने के बाद तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकते और टू तो सी अ फेयर टिम्बर ट्री साउंड एंड परफेक्ट या किसी टिम्बर के बड़े से दरख्त को एक बेहतरीन कंडीशन में देखना बहुत ही अच्छा लगता है हाउ मच मोर टू बी होल्ड एन एंशन नोबल फैमिली विच हैथ्स टू डगेंस्ट देवस एंड वेदर्स ऑफ टाइम उन सब से भी ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई कदीम अशराफिया जो परसों से अशराफिया चले आ रहे हो ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल वो तब अब भी वक्त के थपेड़ों को सह कर हालात के हालात मुश्किल हालात का सामना कर कर भी अब भी अगर वह अशराफिया है तो उन्हें देखना और भी रश्क वाली बात होती है फॉर न्यू नोबिलिटी इज बट of पावर बट ancient नोबिलिटी इज द एक्ट ऑफ टाइम क्योंकि जो अभी अभी नई अशराफिया बनेगी ये इन्फ्लुएंस अपनी इन्फ्लुएंस को शो कर अपनी दौलत को शो करके बनेगी जबकि दूसरी तरफ जो एंशियन नोबिलिटी है जो कदीम जमाने से चले आ रहे हैं जो अशराफिया ये उनके बाप दादा बल्कि बहुत पहले से अशराफिया चली आ रही है दोस्त देट आर फर्स्ट रेज टू नोबिलिटी आर कॉमनली मोर वर्चुअस बट लेस इनोसेंट दैन देर डिस वो जो पहली दफ़ा अशराफिया बनते हैं इलीट क्लास बनते हैं वो वर्चुअस तो हो, होते हैं नेकोकार तो होते हैं लेकिन अपने आने वाली नस्लों से ज़्यादा गुनहगार होते हैं या उन्होंने क्राइम्स किए होते हैं क्योंकि जो जाहरी बात है एट क्लास में आना नोबिलिटी में आना इतना आसान काम तो है नहीं तो उन्होंने गलत रास्ते इस्तेमाल करके वो यहाँ पहुँचे हुए होते हैं तो अपने आने वाले नस्लों से कम वो दागदार होते हैं ज़्यादा गुनहगार होते हैं ज़्यादा गुनाह किए होते हैं उन्होंने जुर्म किए होते हैं फर देयर इज़ रारली एनी राइजिंग बट बाई अ को मिक्सचर ऑफ़ गुड एनी आर्ट्स क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि लोग इस लेवल पर आ जाएं बिना कोई गलत अनफ़ेयर मीन्स इस्तेमाल किए हुए सब बहुत कम होता है बट इट इज़ रीज़न द मेमरी ऑफ देर वर्चूज़ रिमेन टू देयर पोस्टरिटी एंड देर फॉल्स डाई विद डमसल्स लेकिन ये बात समझ में आने वाली है कि जो अशराफिया है या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के बुरे काम किए हुए हैं उनकी बुराई तो उनके साथ चली जाती है वो दुनिया से चले जाते हैं तो बुराई उनके साथ चली जाती है लेकिन उन्होंने जो नक की होती है वो रिमेन टू देयर पोस्टिटी उनके आने वाली नस्लें उन्हें याद रखती है तो वो ज़िंदा रह जाती हैं उनकी नेकी नोबिलिटी ऑफ बर्थ कॉमनली एबैठ इंडस्ट्री जो लोग पैदाइश से ही या अशराफिया के घरों में पैदा होते हैं वो एबैठ इंडस्ट्री वो बहुत कम मुशक्कत और जहमत बहुत कम करते हैं मेहनत कम करते हैं एंड ही दैट इज़ नॉट इंडस्ट्रियस इन वायथ इन वियथ हिम दैट इज़ और वो बंदा जो मेहनत कम करता है जो कम मशक्क़त करता है वो उस बंदे से जलता जलता है या हसद करता है जो मेहनती होता है बिसाइड्स नोबल पर्सनस के नॉट गो मच हायर मच हायर इन ही दैट स्टैंड एट अ स्टे वेन अदर्स राइज कैन हार्डली अवॉइड मोशंस ऑफ इन वी अच्छा जी तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि और उसके अलावा नोबल पर्सनस जो अशराफिया के घरों में पैदा होते हैं वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते ज़्यादा आगे नहीं कर सकते और जो बंदा ज़्यादा तरक्की नहीं करता आगे नहीं करता और एक जगह पर रुका रहता है उसमें जो जलन और हसद के एहसास और जज्बात का आना यकीनी है क्योंकि वो ख़ुद कहीं तरक्की नहीं कर रहा होता तो उससे ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई को शख्स मेहनत करके आगे बढ़ रहा है ऑन दी अदर साइड दूसरी जानब नोबिलिटी एक्सटिंग द पैसिव इनवी फ्राम अदर्स टूवर्ड्स देम बिकॉज दे आर इन पोजेशन ऑफ ऑनर दूसरी जानब अशराफिया है जो आबाव व अजदाद से अशराफिया चली आ रही है कि नस्ल नसर जो लोग अशराफिया हैं उनमें इनवी नहीं होता दूसरों को देखकर क्योंकि लोग उनकी इज्जत करते हैं उनके पास काफ़ी इज़्ज़त होती है तो इसलिए जब कोई शख्स आगे निकलता है तो उससे वो जलते नहीं हैं उनसे उससे हसद नहीं करते सटनली किंग्स डेट हैव एबल मैन ऑफ दअर नोबिलिटी शल फाइंड ईज़ इन एम्प्लॉइंग दम यकीन अगर किसी बादशाह के पास काफ़ी काबिल अशराफिया होगी तो उनसे काम लेने में बादशाह को काफ़ी आसानी होगी एन ए बेटर स्लाइट इन टू दैर बिजनेस और बादशाह के जो काम हैं अमूर हैं वो बखूबी अंजाम देंगे आ, बेहतरीन तरीके से एहसन तरीके से आ, अंजाम देंगे वो अशराफिया जो उसके पास है फॉर पीपल नेचुरली बैन टू दैम एज़ बोर्न इन समू कमांड क्योंकि लोग फितरती तौर पर उन लोगों की बात मानते हैं जो पैदा ही रूल करने के लिए हुए यानी कि कोई बंदा अशराफिया के घर पैदा होगा तो आम रियाया आम लोग उसकी बात यकीन मानते हैं तो अगर किसी बादशाह के पास एबल नोबिलिटी है बासलाहत बाबिल नोबिलिटी है तो उसके लिए अपना हुकुम अपने हुकूमत को चलाने में आसानी होगी थैंक यू वेरी मच